मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे तेरी जान निकल जाती तो क्या मेरे अंदर जान रह जाती? A very happy birthday to my dear friend. Thank you. काजल, पम पम। Thank you. हाँ। अब ये बता, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने सोचा मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ। तू शॉपिंग करेगी या मुझे शॉपिंग करवाएगी? अरे बात तो एक ही है ना यार, चल ना। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे एक शर्ट वापस करनी है। तू यहीं ठहर, मैं अभी गाड़ी से लेकर आती हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। अजय पैसे निकाल। साला ए मुर्गी चोर, तेरे अंडे का कितना हो रहा है? 500, सिर्फ 500। ये ले पकड़। और तेरे अंडे का क्या? अरे तेरे गाड़ी का अंडा, हेडलाइट, हेडलाइट 500। ये ले पकड़। 1000। 1000? ये 500 एक्स्ट्रा किस लिए? अभी बताता हूँ, इसलिए। चला जाए। उड़। एक मिनट। क्या है? ये लो 5000 रुपए। ये किस लिए? अभी बताती हूँ। इसलिए। लेकिन ये तो 4000 का है। हाँ, बाकी 1000 टिप। हा? समझे मेरे लल्लू लाल? हा? चल काजल। अबे तेरी तो। अरे रे 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 रे। छोड़ ना यार, लड़की है। अबे लड़की है तो क्या हुआ, साला एक तो टिप देती है, ऊपर से लल्लू लाल बोलती है। मैं क्या लल्लू देता हूँ? अरे तुमको किलो ना खेलने के लिए नहीं दिया है, बेचने के लिए दिया है, समझी? सॉरी सर। क्या कर रहा है तुम? क्या कर रहा है तुम? 5 लाख का मार्बल स्विच को सवा पैसे का चिंडी से साफ करता है। तुमको मालूम है आज इसको देखने को कौन आ रहा है? कौन? आगरा के नाडी डिंडा डिंडी नवाब साहब चंगेजी, समझे क्या? जा जा। सॉरी डार्लिंग, मैं आपको साफ करता हूँ। एक्सक्यूज मी। है? पुतला बोला? अरे एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ हूँ। ओ पुतली भाई। यस पुतली भाई, आई मीन मैडम। बाबा जी आपके पास से लियो, ये शर्ट डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। व्हाट इम्पॉसिबल? ये देखिए इसमें छेद है, दिखा? नहीं दिखा। नहीं दिखा? नहीं दिखा। अभी दिखाती हूँ। अभी दिखा। दिखा, दिखा, दिखा। सुलेमान, सुलेमान, मैडम को बाची शर्ट दिखाओ, नहीं तो वो मेरी भी पैंट फाड़ देगी। मैडम आप वो काउंटर पे जाओ, वो आपको शर्ट दिखाएगा। हाँ, सोराब, सोराब। चलना यार, अब मुंह ठीक कर। अच्छा मैं तेरी वजह से चुप हो गया, वरना उस छिपकली को तो मैं कॉकरोच बना के छोड़। अच्छा बाबा आप ठीक है यार। मुझे लल्लू बोलती है। राजा तू अपने लिए शर्ट खरीद, तब तक मैं अपने लिए लड़की देख रहा हूँ। अब मेरा मतलब है जूते देख कर आता हूँ यार। अबे पहन के दिखा रहे, शर्ट दिखा यार। पुतले पे नजर डालिए। हे, तू पुतले के सामने पुतला माफी क्या करा है? चल भागी न से, हट। हाँ। नवाब साहब, आपके लिए तलाशा हुआ पुतला। जी। नवाब साहब, वो हमश। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ,
किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाचिस ने अपने हाथों से बनाया नवाब साहब। अरे कुर्बान जाऊं, इन हाथों के फारसी तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है। अगर आप हुक्म करें तो 1.5 दर्जन और बना लूं। यही तो हम नहीं चाहते। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा न बन पाए। तुम भी ऐसा दोबारा न बना सको, इसलिए हम भी तुम्हारे हाथ कटवा देंगे। हाथ कटेंगे? अलादीन, हुकुम आलम बना, हम जा रहे हैं। तुम फारसी के दोनों हाथ लेकर आगरे पहुंचो। ना दिल्ली। क्या करूं? खुदाए मोबाइल कभी यूज करूंगा। चलो नी 100। हेलो खड़ा पासी पुलिस स्टेशन। सुनो, एक कोलगेट का फैमिली पैक दे। यस मैम। एक मुझे भी। यस सर। सॉरी सर, स्टॉक में एक ही फैमिली पैक है। मैं लूंगा। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। हाथ मेरा पहले पड़ा था। नजर पहले मेरी पड़ी थी। लेडीज फर्स्ट। बाथरूम की क्यों मैं? देखो तुम पंगा ले रहे हो। बचपन की आदत है। इसे मैं लेकर आऊंगी। ठीक है ले लो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। What? Yes, your mouth stinks. Yuck! बदबू तुम्हारे मुंह से आती है, तुम्हारे जिस्म से आती है, तुम्हारे कैरेक्टर से आती है। इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ये लो, लो और लो। राजा, अगर मेरे बाप को पता चल गया तो वो हमारी जमानत नहीं देगा। चल 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 भाग। अरे कबूतर भागता किधर है? इधर। मधु मैं बताती हूँ, रिलैक्स, कम ऑन। मुझसे पंगा लेता है? हरबू, अरे हम इस गंदगी में आ तो गए हैं, लेकिन तुझे पूरा यकीन है कि तेरी बेटी इस मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करेगी? अरे करेगी रंजीते, खुशी से करेगी। ड्राइवर गाड़ी रोको। रंजीते तू रुक, मैं भी आता हूँ। हे मिस्टर, हरी निवास कहाँ है? हे, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। डैडी, आप पर यहाँ? What a pleasant surprise! अंकल अंदर आइए। Don't you call me uncle? तुम्हारे लिए मैं सिर्फ सेठ हरबंस लाल हूँ। Do you understand? देखा डैडी, कौओं को भी आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। आप यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? मुझे इन कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए, आज ही अमेरिका भिजवाने हैं। दस्तखत तो मैं कर दूंगी डैड, मगर उससे पहले आपको भी कुछ पेपर्स पे साइन करने पड़ेंगे। क्या? दीनू काका, ओ दीनू काका, बिटिया, कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेकर आना। अमीला बिटिया, ये किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है तू? वही जिसमें लिखा है कि आप बस्ती की सारी जमीन यहाँ रहने वालों के नाम कर रहे हैं। What?
तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू क्या समझती है कि मैं अपनी करोड़ों की जमीन इन भूखे नंगों के नाम कर दूंगा? नो, नेवर। तो आप क्या समझते हैं, मैं आपके इन सड़े कागजात पे दस्तखत कर दूंगी? नो, नेवर। लाओ लाओ कागज, कहां मैं साइन करता हूँ? यहाँ पर, ये लीजिए। हर बार तुम्हारी जिद के सामने मुझे घुटने टेकने पड़ते हैं। फिर भी आप बाज नहीं आते ना। सिग्नेचर प्लीज उधर, साइन। डैडी आई लव यू, यू आर वंडरफुल। ये हुई ना बात डैडी, अब बताइए मुझे कहाँ साइन करना है? मैं अपने डेथ वारंट पे भी साइन कर दूँ। यहाँ साइन करना है। पेन लाओ, जल्दी लाओ। ये लीजिए। यस डैडी, यू आर सो स्वीट। यस डैडी, यू आर वंडरफुल। डैडी इन द होल वाइड वर्ल्ड। थैंक यू। चल काजल, हम ये खुशखबरी सबको सुनाते हैं। अरे मान गए संजी जी, मान गए। 2 करोड़ की जमीन देकर 100 करोड़ की खुशी हासिल कर ली। अब हमारे बच्चे अपनी मर्जी से शादी करना तो दूर, किसी और के बारे में तसव्वुर भी नहीं करेंगे।